व्हाट्स अप यूट्यूब, कैसे अपनी छोटी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग सेफ एंड साउंड हो। और जस्ट अभी नींद से उठा हूँ और मैंने देखा कि बहुत टाइम हो रहा है, मैंने कुछ व्लॉग नहीं डाल रहा, मतलब इधर उधर के कामों में बिजी हूँ। ऑफिस का भी काम है, फैमिली है, उनको भी देखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अभी दिवाली आ रही है। तो कल मैंने एक चीज देखी, कल मैं गया था भाईंदर, मुंबई में एक बहुत पॉपुलर जगह है महाराष्ट्र में भाईंदर करके, वहां पे मेरे एक रिलेटिव रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई 8-9 महीने हो गए आप आए नहीं। हम लोग पहले क्या करते थे, थोड़ा बहुत उनके वहां पे घूमने जाते थे, टाइम स्पेंड करते थे फैमिली, फिर आ जाते थे। कल उन लोग बोल रहे थे आ जाओ थोड़ा, अभी तो सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल है। मैंने बोला सिचुएशन नॉर्मल तो नहीं है, बट एटलीस्ट वी आर वेरी मच क्लोज टू नॉर्मल, चलो उनसे मिल आते हैं। तो मैं, हम लोग सब गए उनके पास। जैसे मैं कल भाईंदर गया, मैंने एक चीज देखी कि लोगों ने, मतलब लॉकडाउन के पहले जो सिनेरियो था, मतलब जिस तरीके से लोग घूम रहे हैं उस तरीके से ही लोग घूम रहे हैं। मतलब हॉकर्स के वहां पे लोग खरीदारी कर रहे हैं, नो डाउट दिवाली आ रही है, नेक्स्ट वीक दिवाली है, तो लोग मतलब पागलों की तरह शॉपिंग कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग कुछ है ही नहीं, तो ये देख के बहुत फिकर हुई। होटल्स भी खुल गए, होटल्स में देख रहे लोग खाना खा रहे, बाहर जो रेडी वाले बैठे रहते, जो छोटा मोटा पानीपुरी वाला या जो कोई वड़ा पाव वाला, वो सब जो खाना बेचते हैं, उनके यहाँ पे भी गर्दी है, लोग खा रहे हैं। मतलब लोगों को ऐसा लग रहा है कि कोरोना वायरस चला गया, पर सिचुएशन अभी भी बहुत सीरियस है, कोरोना वायरस गया नहीं है। मैं कल वाइफ को वही दिखा रहा था कि देखो यहाँ पे लोग कैसे खा रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे नहीं, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ के स्टेशन साइड में भी अगर जाऊँ तो लोग उसी तरीके से बिहेव कर रहे हैं। मतलब ऑल ओवर महाराष्ट्र अगर बोलेंगे तो लोगों को ये लग रहा है कि सिचुएशन अभी बहुत नॉर्मल हो गई है, जो नहीं हो गई। गवर्नमेंट साइंटिस्ट डॉक्टर्स ने ये कहा कि इट्स अ गुड न्यूज दैट केसेज आर रिड्यूसिंग, मतलब केस कम रजिस्टर्ड हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन वी हैव टू बी स्टिल बी केयरफुल बिकॉज द सिचुएशन इज स्टिल वेरी सीरियस, पर लोग इसे बहुत लाइटली ले रहे हैं। देख रहा हूँ वापस लॉकडाउन के पहले जैसा सीन था, वैसा धीरे धीरे हो गया है, हो नहीं रहा है, हो गया है। अभी डर लग रहा है कि ठंडी का मौसम आने वाला है, जैसे कि सुनने में आया कि दिल्ली में भी इतनी जबरदस्त अक्टूबर महीने में ठंड गिरी, मतलब 1937 में हुई थी, अभी जस्ट हुई। डॉक्टर्स भी ये कह रहे कि ठंड गिरने पे ये वायरस और ज्यादा एक्टिव हो जाता है, तो ये भी एक सिचुएशन है जिसे हमें टैकल करना है। मुंबई में वैसे तो ठंड वैसी गिरती है नहीं, पर थोड़ी बहुत तो गिरती है, बट वो थोड़ी बहुत में बहुत कुछ हो सकता है। तो ये वीडियो मेरा बनाने का एक ही मकसद है कि अगर जितने भी थोड़े बहुत कम लोग देख रहे हैं, अगर हम लोग अभी भी जब तक ये वायरस का काउंटडाउन पूरा जीरो नहीं हो जाता, अगर हम लोग केयरफुल नहीं रहेंगे तो सिचुएशन बहुत और खराब हो जाएगी। यूके में, आई एम नॉट श्योर यूके में आई थिंक वापस लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया है, क्योंकि वहां पे केसेस बहुत फास्ट वापस बढ़ रही है। हम नहीं चाहते कि ये सीन वापस इंडिया में हो, क्योंकि इंडिया में जो लॉकडाउन हुई थी बहुत लोग मर गए लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि काम नहीं था, ये नहीं था, बेरोजगारी बढ़ गई, लोगों ने सुसाइड कर लिया, ये कर लिया। हम नहीं चाहते कि ये सब चीज वापस आए। गवर्नमेंट ने हमें अनलॉक फेज में जितनी अपॉर्चुनिटीज दी है उसे हमें यूज करना है, बट विथ प्रॉपर वेयरिंग अ मास्क, हाथ सैनिटाइज कीजिए, कोशिश कीजिए जहां पे भीड़ भाड़ हो वहां पे ना जाए, जाए तो तभी जाए जब भीड़ हद कम हो, एकदम इमरजेंसी हो तो कोई और देखो। ऐसा नहीं है कि एक ही दुकान पे जाना जहां पे ज्यादा गर्दी है, वही सेम तो और भी बहुत सारे दुकानें हैं, तो वहां पे जाइए। सिचुएशन अभी भी बहुत खराब है, वी आर क्लोज टू 82 लाख केसेस स्टिल, इंडिया अभी भी सेकेंड में है। तो कोशिश कीजिए कि जितना हो सकता है अभी हमें केयरफुल रहना है, मास्क पहनिए, हाथ को सैनिटाइज कीजिए, मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये यही चीज जो हमें बचाई है, और कुछ नहीं। सुनने में ये भी आ रहा है कि लोकल ट्रेन चालू हो गई है, बट सर्कुलेशन आया है कि अभी नॉर्मल लोग भी लोकल ट्रेन ले सकते हैं। सैटरडे को मेरे पास एक सर्कुलेशन आया जिसमें टाइम टेबल बताया कि नॉर्मल पब्लिक लाइक हर्स कैसे हम लोग लोकल ट्रेन पर ट्रैवल कर सकते हैं। होप फॉर द बेस्ट। लोकल ट्रेन में ट्रैवल करना अभी भी बहुत बड़ी रिस्क हो जाएगी, पर सिचुएशन ये भी देखने की, बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग अभी भी काम पे नहीं पहुंच पा रहे बिकॉज ऑफ लोकल ट्रेन, क्योंकि मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन है। प्रॉपर गाइडलाइंस जो रेलवे अथॉरिटी ने
मुंबई लोकल ट्रेन वालों लोग ने बनाई है, अगर वो प्रॉपरली स्क्रूटिनाइज करते हैं तो डेफिनेटली लोग ट्रैवल कर पाएंगे। पर ये हमारे ऊपर है कि हम ये सब फॉलो करें। मुंबई में पब्लिक ऐसी ऐसे घटिया है, जो रूल्स रेगुलेशन बनाते उसको तोड़ने में ज्यादा उन लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, तो ये एक डर लग रहा है। मैंने कुछ दोस्तों से भी ये सब बात की, जानकारों से, कि क्या लगता है लोकल ट्रेन चालू हो जाएगी तो पब्लिक फॉलो करेगी? किसी ने ये नहीं कहा फॉलो नहीं करे, सब लोग ने ये कहा कि कोई फॉलो नहीं करेगी, पब्लिक कभी फॉलो नहीं करेगी, क्योंकि पब्लिक चू है, चू, आप समझ जाइए चू का मतलब क्या, वो तो है, पब्लिक तो चू है, इसीलिए तो कहते हैं ना कि पब्लिक ही चू है तो देश का क्या होगा। तो ये हमारे ऊपर है, हमें फॉलो करना चाहिए किस तरीके से। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वेयर योर मास्क, सैनिटाइज कीजिए हाथ को, सोशल डिस्टेंसिंग कोशिश कीजिए रखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।